नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus मॉडल के बारे में। इंडिया के अंदर कब तक आएंगे ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं तो बने रहेगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों दोनों ही मॉडल में आपको 6.6 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और साथ ही में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। प्लस एंड्रॉइड 12 ओएस के साथ MIUI 13 की स्क्रीन भी इसमें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो दोस्तों नोट 12 प्रो में 4980 एमएच की बैटरी आपको देखने को मिल सकती है, वही रेडमी नोट 12 प्रो प्लस में 4300 एमएच की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में तो दोस्तों प्रोसेसर जो है वो हाई परफॉर्मेंस यहाँ पे होने वाला है, तो इसके लिए अभी यहाँ पे मीडियाटेक का यूज होने वाला है। अब इंडिया के अंदर जो फोन आएगा उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर होगा वो जब फोन आएगा तभी पता चलेगा। अब बात करते हैं वहाँ पे लॉन्चिंग की। दोस्तों चाइना के अंदर ये अगले महीने लॉन्च होने वाला, यानी कि मई मंथ में लॉन्च शायद हो सकता है ऐसी खबर निकल के आ रही है, लेकिन इंडिया के अंदर ये हो सकता है शायद सितंबर मंथ में आ जाए। ठीक है, तो कुछ भी बोल नहीं सकते क्योंकि ये खबर जो है ये पक्की नहीं है। ये कुछ वेबसाइट पे February 23 दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ वेबसाइट पे यहाँ पे सितंबर महीना दिखा रहा है, तो ये खबर पक्की नहीं है। ठीक है, लेकिन आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर शायद ये फोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। कुछ और अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के जरिए ये अपडेट दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।